बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू फेमिनाज किचन। सबसे पहले आने वाले नए दोस्तों को खुश आमदीद, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ फटाफट से सब्सक्राइब कर लें। साथ में नीचे दिए हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो व्यूज, आज हम बना रहे हैं नली का गोश्त, और इसको बनाने के लिए सबसे पहले तो जो हमें चीज़ चाहिए होगी वो है नली। गोश्त के साथ चूल्हा मैंने जला लिया है। प्रेशर कुकर में मैं अब डालूंगी 1 कप ऑयल, और इसमें मैं साथ ही डाल दूंगी जो मैंने प्याज और टमाटर लिए थे। अदरक और लहसुन भी, तकरीबन 2 मिनट मैं इसको पकाऊंगी ताकि ये जो है प्याज का कलर भी चेंज हो जाए, ये थोड़ा सा जो मैंने डाला है अदरक वगैरह ये भी थोड़ा सा पक जाए। ये देखिए कलर चेंज हो गया। अब मैं इसमें नली और साथ में वो गोश्त ऐड कर दूंगी। और इसमें जब हम ऐड करेंगे तो इसको मैं तकरीबन 2 मिनट के लिए दम पे रखूंगी ताकि जो है इसको चम्मच के साथ इस तरह से हिलाएंगे ताकि जो ऑयल है वो नली और गोश्त के साथ लग जाए। ये बहुत मुश्किल हो रहा है मेरे लिए, हैवी है काफ़ी। अब इसमें मैं डालूंगी स्पाइसेस कम या ज़्यादा जो है हम साथ से चेक कर लेंगे, और अब मैं इसमें डालूंगी पानी। और साथ में इसको इसको मैं तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए प्रेशर कुकर चला रही हूँ, और उसके बाद फिर इंशाल्लाह इसको खोलते हैं। ये तकरीबन 2 किलो है, तो देखिए ये हो गया, बिल्कुल तैयार हो गया। 10 मिनट के बाद मैंने प्रेशर कुकर खोल दिया था, लेकिन उसमें चम्मच चलाना मुश्किल हो गया था, इसलिए मैंने उसको देखते हुए ट्रांसफ़र कर दिया। ये मैं आपको दिखाती हूँ, देखिए बिल्कुल गल गए, देखिए माशाल्लाह से। अब मैं इसके अंदर सूखे मसाले ऐड कर दूँगी। और हम इसको तकरीबन 5 मिनट इस तरह से भुनेंगे, इसका हम शोरा बिल्कुल नहीं बनाएंगे, ये बस इसी तरह से। ये वैसे है काफ़ी भारी, मुझसे चम्मच भी नहीं चलाया जा रहा। हम तकरीबन इसको इसी तरह से 5 मिनट तक भुनाई करेंगे इसकी। ये देखिए 5 मिनट हो गया, अब मैं इसमें हरी मिर्च डाल दूंगी, और इसको तकरीबन सिर्फ 1 मिनट के लिए और इसकी भुनाई करेंगे। ये हमारा बिल्कुल रेडी हो गया, और लास्ट में हम इसमें अब डालेंगे हरा धनिया। मज़ेदार नली गोश्त बन के रेडी हो गया। अब मैं इसको आपको डिश ऑफ करके दिखाती हूँ। व्यूज, मैंने इसको डिश आउट कर लिया है। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। आप प्लीज़ इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा।
और अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।